नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली एक फाइनल लुक आपको देखने के लिए मिलता है जियो फिक्स एयर फाइबर का, और ये 100% जेन्युइन है, किसी भी तरीके का कोई और डिवाइस नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ डिवाइस बीच में मैंने भी दिखाए और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन आई, कुछ ये डिवाइस आया, कुछ जियो लिंक वाले डिवाइस दिखाए, बट फाइनली लुक जो है आपको ये देखने के लिए मिलता है। बट इन दोनों डिवाइसों में, या बात करी जाए तो तीनों डिवाइसों में, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देता। बस ये है कि 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलते हैं। इनसाइड जो एंटेना है बहुत ज़्यादा लार्ज है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी हाई स्पीड इंटरनेट डेटा आपको देखने के लिए मिलता है। बट इस डिवाइस के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्राइस सेगमेंट में आता है, कौन कौन से बैंड सपोर्ट आते हैं, सब कुछ बात करेंगे। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बात करी जाए तो फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है, तो जो भी लोग इन डिवाइस को यूज़ कर रहे होंगे रियली बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट ले रहे होंगे। हाई स्पीड अनलिमिटेड 5G डेटा, और सबसे अच्छी बात यह है इन डिवाइसों के साथ, क्योंकि ये 26 GHz पे इंडिविजुअल सपोर्ट करते हैं, तो मतलब अभी कोई भी आसपास आपके जो डिवाइस है, इस डिवाइस को छोड़ दिया जाए तो 26 GHz पे कोई भी बैंड वर्क नहीं करता, तो मतलब एकदम फ्री फ्रिक्वेंसी है। एक तो डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो फुल प्रॉपर स्पीड देखने के लिए मिलती है। इसमें सब कुछ, मतलब बात की जाए तो इक्विपमेंट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, आउटडोर यूनिट देखने के लिए मिलती है, उसके साथ पीछे का स्टैंड देखने के लिए मिलता है, और आउटडोर यूनिट में इंडिविजुअल पावर के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ईथरनेट के द्वारा ही पावर दी जाएगी। तो POE स्विच देखने के लिए मिलता है, जिससे कि डायरेक्टली कनेक्ट होके यहाँ पे आप देखेंगे एक वाइट कलर का जो एडेप्टर है, वही थोड़ा सा पाथ लुक देखेंगे तो इस पर भी जियो ही लिखा हुआ है। जियो की मतलब ब्रांडिंग हर जगह की गई है, अच्छी बात है। और उसके बाद POE स्विच से निकाल के, क्योंकि जो मेन पावर है वो वापस आउटडोर यूनिट में चली आएगी, उसके बाद आप लैपटॉप में मैक्सिमम स्पीड का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं दो वायर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो यूनिट है वो दो तरीके से वर्क करती है। आप इंटरफेस को डायरेक्टली मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ईथरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो माइक्रो USB, या बात करें तो इस बार क्योंकि अपग्रेडेड है तो सी टाइप कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप में। क्योंकि आउटडोर मतलब बात की जाए तो आउटडोर यूनिट से डायरेक्टली लैपटॉप या मोबाइल से इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी आपको करंटली देखने के लिए मिल रही है। दोनों के लिए सुटेबल है, घर के लिए या आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं या शॉप वॉप पर लगाना है, तो दोनों के लिए अच्छा यूज़फुल डिवाइस रहेगा। और ये जो डिवाइस है मल्टीपल बैंड फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करेगा, और अभी जियो के तरफ से ही स्पेशल 26 GHz पे सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, 3300 MHz पे सपोर्ट देखने के लिए मिलेगी, और दो बैंड मार्केट में और चल रहे हैं 3500 MHz और 3700 MHz पे भी वर्केबल कंडीशन में होगा, क्योंकि जियो अभी प्रोवाइड करवा रहा है ये। यहाँ पे बात करी जाए तो जो मैक्सिमम स्पीड है ये डिवाइस 2.5 GBPS की सपोर्ट कर लेता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम स्पीड का आपको आनंद मिलने वाला है मेरा जैसा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट किया गया था वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से टेस्ट किए गए थे। ये जो कुछ इमेज देख रहे हैं मेरे लैपटॉप, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो जियो की टीम ने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाए थे, जियो फिक्स एयर फाइबर, आपको इसलिए प्रॉपर इमेज देखने के लिए मिल रही है। और डिपार्टमेंट ने टेस्ट करे तो उसके बाद सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, और उम्मीद यही लगाई जा रही है 28 अगस्त 2023 को ये आपको ऑफिशियली लॉन्च भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बट फर्स्ट वीडियो जो है आपको पूरे यूट्यूब पे हमें ये चैनल पे ही देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि हमने पूरी डिटेल में आपको सारा कुछ बता दिया इसके बारे में। क्योंकि जियो लिंक डिवाइस की जो कॉस्ट थी, अब सबसे बड़ी बात आती है क्या प्राइस सेगमेंट में ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जियो लिंक डिवाइस जो है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता था 2016 में 2500 रुपये का मात्र। लेकिन बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे, चीज़ें महंगी सस्ती सब कुछ हुई हैं, तो अराउंड एक्सपेक्टेशन यही है कि 5000 रुपये से ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि जियो को ज़्यादा खास वर्क नहीं करेगा, बस मेनली आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा, जिससे कि उसका मंथली सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा लोगों तक बढ़ सके और जो पेमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो। डिवाइस की कॉस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जियो भारत फ़ोन भी एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं एक 5G प्योर रूप से वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ ब्रॉडबैंड आपके घर में लग जाएगा। और इसके लिए अब आता है सवाल कि मैं वाईफाई कैसे क्रिएट करूंगा, ये थोड़ा सा सवाल था। तो आउटडोर के लिए आपको जियो राउटर भी मिल सकता है, जिसे कि आप रिपीटर की तरह यूज़ कर ले, या बात करी जाए तो अलग अलग नॉर्मल TP लिंक के या कुछ और डिवाइस से भी आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं, जिससे कि आप घर में वाईफाई क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो
तब आपके घर में डेस्कटॉप या मतलब नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क है तो सिर्फ स्विच में लगाना है और पूरे में कनेक्टिविटी हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगेगा। जैसे ही लॉन्च होता है वैसी वीडियो लेके आएंगे। बाकी आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। और यहाँ पर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 28 अगस्त 2023 को बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। रेगुलर अपडेट रहेगी चैनल पे तो हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। बस एक छोटा सा काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।